तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन को दिखती है एक बहुत ही बढ़िया से गाड़ी और वो सोचता है कि जरा इसकी हेडलाइट चेक की जाए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी हेडलाइट दिख रही होती हैं। लेकिन ये गाड़ी निकलती है लॉस गैंग वालों की और फ्रैंकलिन के हो जाते हैं पंगे। लॉस गैंग वाले फ्रैंकलिन को धमकी देते हैं पीटने की और फ्रैंकलिन भी बोलता है कि आ जाना मुझसे पंगे लेने के लिए। यहाँ दूसरे दिन फ्रैंकलिन के घर पर बिछे होते हैं काफी सारे बॉम्ब और फ्रैंकलिन को समझ में नहीं आता कि ये बॉम्ब्स क्या है, क्यों है। और तभी इसे बटन दिखता है, जिस बटन को दबाने के बाद फ्रैंकलिन के घर पे रखे हुए सारे बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और फ्रैंकलिन का घर बिल्कुल टूट फूट जाता है। उसके बाद फ्रैंकलिन बदला लेने की सोचता है और वो भी कहीं से बॉम्ब का जुगाड़ करके लॉस गैंग का भी बेस उड़ा देता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या लॉस गैंग वाले फिर से बदला लेंगे, देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है सुहानी सुहानी। और भाई साहब देखो, जूते पहन के ही मैं बेड पे सो गया था यार, ऐसे कौन करता है। बेड भी बिल्कुल ही गंदा हो रखा है, ये जो चद्दर है बेड के ऊपर ये पूरी वाइट कलर की हुआ करती थी, लेकिन देखो कैसा हाल हो गया है। ये आई लव लॉस सैंटोस ये वाली टी शर्ट तो अभी कभी मैं पहनता भी नहीं हूँ, पहननी चाहिए, बढ़िया लगती है ये वाली वाइट वाली टी शर्ट, लेकिन अब फिट नहीं आती यार, हल्का सा थोड़ा सा मोटा सा नहीं हो गया मैं इसी वजह से। खैर जो भी हो, लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉस गैंग वालों से बदला दिया था भाई, और वो भी सेम उन्हीं की भाषा में। एक्चुअली में भाई उन लोगों ने हमारे घर को पूरा बॉम्ब से उड़ाने की प्लानिंग की थी, लेकिन उड़ा नहीं पाए थे, इतना स्ट्रांग हमारा घर ही है। फिर हम लोगों ने भाई इस बात का जवाब दिया उन्हीं की भाषा में, हम लोगों ने उसका बेस उड़ा दिया और मैंने उनसे पावरफुल बॉम्ब्स का यूज किया उनका बेस उड़ाने के लिए। पूरा लिटरली मैं बेस उड़ गया था यार, वहां पे धूल मिट्टी चकनाचूर सारे बंदे सब उड़ गए थे, मजा आ गया था लॉस गैंग वालों का बेस उड़ाने में। वैसे ये शिनचैन पिनचैन अभी तक जगे नहीं भाई, अरे कितना सो रहे हैं ये लोग आज, एक सेकंड। हाँ वो देखो पिंचन सो रहा है, इधर शिनचैन सो रहा है, चॉप भी सो रहा होगा, फटाफट से जरा इन लोगों को जगाता हूँ यार, कितने बज रहे हैं रुको। अबे भाई साहब 10:45 मतलब लगभग 11 बजने वाले हैं। अबे एक सेकंड, वेट व्हाट, फिर से ये बॉम्ब्स। अरे लेकिन लॉस गैंग वालों का तो मामला खत्म हो गया था ना भाई, उन्होंने मेरा घर उड़ाया, मैंने उनका बेस उड़ाया, बात खत्म, हिसाब बराबर। ये बॉम्ब्स कौन रख के चला गया फिर से मेरे घर पे। हेलो 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 हेलो, अबे यार ये बॉम्ब्स तो वही वाले हैं एग्जैक्टली जो लास्ट टाइम रखे हुए थे, इसका मतलब फिर से ये लॉस गैंग वाले ही रख के चले गए हैं। लॉस गैंग वाले भी बच गए हैं क्या? अरे हाँ यार, लॉस गैंग 2-4 बंदों की गैंग थोड़ी ना है, लॉस गैंग के अंदर बहुत सारे बंदे शामिल हैं और उनकी काफी अलग अलग जगहों पर बेसेस हैं। एक बेस तो वहाँ डायमंड कैसीनो के पास था, एक बेस उधर की तरफ भी है, एक बेस मिलिट्री बेस की तरफ भी है। भाई लॉस गैंग के बहुत सारे बेसेस हैं, लगता है दूसरे बेस के लॉस गैंग वालों ने ये बॉम्ब रख दिए हैं। लेकिन इस बार मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ़ी नहीं करने वाला भाई, मेरे को सिंपली क्लियरली बॉम्ब दिख रहे थे और उधर भाई बटन दिख रहा था, मेरे को दिमाग लगा लेना चाहिए था कि अरे बटन है बॉम्ब है, कहीं ये बटन बॉम्ब का ही तो नहीं, मुझे प्रेस ही नहीं करना चाहिए था वो बटन। लेकिन मैंने बेवकूफ़ी दिखाई और बटन प्रेस कर दिया और मेरा घर उड़ गया। बट इस बार मैं क्या करूंगा, बटन तो उन लोगों ने छुपाया ही होगा, उस बटन को ढूंढ के इस बार मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर दूंगा, बॉम्ब का तार काट दूंगा और सिंपली प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन बटन कैसे ढूंढूं? अरे शिनचैन पिंचन और चॉप को जगाते हैं भाई, ये लोग हेल्प करेंगे ना मेरी बटन ढूंढने में। ओए शिनचैन, ओए पिंचन, अब ये कैसे सो रहा है पिंचन का बच्चा, वो चॉप कैसे सो रहा है, ओए चॉप उठ बे, ओए पिंचन भाई तू भी उठ, ओए शिनचैन भाई तू भी उठ। अरे क्या हो गया यार, क्यों जगा रहे हो? अबे उठो उठो, अबे उठो बे, वरना फिर से अपना घर उड़ जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, अपने घर के पंख लग गए हैं क्या? अबे घर के पंख नहीं लगे हैं यार, अबे उठो बे पहले। अरे हुआ क्या यार, पहले ये तो बताओ। पहले तुम लोग उठो और बाहर चलो, बाहर चलोगे तुम लोगों की नींद उड़ जाएगी। बे ऐसा क्या हो गया बे कलुए, एक बार आओ तो सही। अरे ये क्या है यार? ये है बॉम्ब्स। बे कलुए लेकिन बॉम्ब कहाँ से आ गया भाई हमारे घर पे? अरे हाँ यार, ये बॉम्ब आ कैसे सकते हैं? पिंचन और चॉप भाई फिर से उन्होंने ही लफड़ा किया है लॉस गैंग वालों ने। अबे लेकिन लास्ट टाइम तो भाई बात खत्म हो गई थी, उन लोगों ने तेरा घर ब्लास्ट किया, तूने उनका बेस ब्लास्ट किया, बात खत्म। लेकिन लगता है लॉस गैंग वालों को शांति से जीना पसंद नहीं है भाई, फिर से हमारे घर को ब्लास्ट करने की साजिश कर रहे हैं। अरे तो इस बार ब्लास्ट ही नहीं होने देंगे हम लोग, वो रिमोट का तार काट देंगे। बिल्कुल रिमोट का तार काट देंगे भाई, बटन का तार काट देंगे और बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। बे यार कलुए मान ले, जैसे तूने ऐसे फोन से बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तू बता रहा था इन लोगों ने भी फोन से ब्लास्ट कर दिया, तो अबे इनका जो ये बॉम्ब है ना लोकल क्वालिटी वाला है और सस्ता वाला है, ये फोन से ब्लास्ट नहीं होता, इसका एक बटन होता है
स्पेशली, और उस बटन को प्रेस करने से ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अगर फोन से ये ब्लास्ट होना होता ना, अभी तक ये लोग ब्लास्ट कर चुके होते। तो इसका मतलब इन लोगों ने कैसे कल बॉम्ब का बटन छुपाया था, वैसे ही फिर से बटन छुपा दिया होगा इधर ही। बिल्कुल। और हमें बस उस बटन को एक बार ढूंढना है। वो बटन अगर हमें मिल गया तो फिर तो उस बटन का जो तार होगा उसको हम लोग कट कर देंगे और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि सारे बॉम्ब्स एक ही बटन से कनेक्टेड थे पिछली बार। जाहिर सी बात है फिर से ऐसा ही होगा। अरे तो चलो यार, बटन ढूंढने पर लग जाते हैं। तो एक काम करो भाई, इन लॉस गैंग वालों का कोई भरोसा नहीं है, बटन कहीं भी छुपाया हो सकता है। तो शिनचैन तू भाई घर के ये सामने वाले इलाके की तरफ ढूंढने की कोशिश कर। पिंचन भाई हमारा जो ये घर के पीछे वाला लॉन है वहां पर ढूंढने की कोशिश कर। चौप भाई तू इधर ढूंढने की कोशिश कर, और मैं इधर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अरे ठीक है यार। और बटन अगर दिखे तो उसको प्रेस मत करना, मुझे बुलाना, मैं आके फिर उसके तार काटूंगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? अरे समझ गए यार। समझ लो भाई, ये हमारे घर को बचाने का मिशन है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा घर उड़ जाएगा। कुछ भी करके बटन ढूंढ के ही रहना है। ठीक है, बैक कर लो यार टेंशन, मतलब ढूंढेंगे हम लोग। फैल जाओ अलग अलग डायरेक्शंस में। आज ये बटन हम लोगों से नहीं बच सकता। आज ये बॉम्ब किसी भी कीमत पर ब्लास्ट नहीं होंगे। हम लोग रोक कर ही रहेंगे ये बॉम्ब ब्लास्ट। अरे मैं चला यार सामने गार्डन वाले इलाके में ढूंढने। जा जा भाई शिनचैन, बहुत ही बढ़िया, ढूंढ फटाफट से, ढूंढ और संभाल के ढूंढ। बटन जैसे ही दिखे बुला लियो मुझे। अरे ठीक है यार ठीक है। अरे कहाँ होगा बटन, कहाँ होगा, ढूंढो ढूंढो, इधर ही छुपाया होगा उसने। मैं यार घर के लॉन में जा रहा हूँ। हाँ जा घर के पीछे वाले एरिया में जा। पिंचैन ढूंढ के रही हो बटन, और अगर बटन मिल जाए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करियो। ज्यादा बहादुर बन के खुद ही तार मत काटने पहुंच जियो भाई। अरे टेंशन मत लो यार, बटन जैसी दिखेगा तुम्हें ही बुलाऊंगा मैं, पहले ढूंढने तो दो मुझे। चल भाई कल मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले पहाड़ पे बटन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। संभाल के भाई चौप आराम से। बै यार ये गाड़ी वाली आंटी बड़ी बदतमीज थी, छोड़ उसे, अभी तू फिलहाल बॉम्ब ढूंढने पे फोकस कर। बै पिछली बार बॉम्ब कैसा था? पिछली बार एक टेबल पे रखा हुआ था बॉम्ब का बटन, और हमें पता ही नहीं चला कि भाई वो लिटरली में एक बॉम्ब का बटन हो सकता है, और हम लोगों ने प्रेस कर दिया था। इस बार नहीं होने देंगे ऐसा कुछ। ढूंढ भाई चॉप, कम ऑन ढूंढ। कम ऑन गाइस, मैं भी ढूंढना इधर शुरू करता हूँ। होगा तो बटन यहीं कहीं। यस, पिछली बार उन लोगों ने ऐसे टेबल, कैसा टेबल था मैं कैसे बताऊं, हाँ छोटा सा टेबल था। तुम लोगों ने देखा होगा भाई लास्ट वाले एपिसोड, तुम लोगों को पता होगा बहुत छोटा सा टेबल था। हम लोगों ने सोचा ही नहीं, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाया। कोई बात नहीं, इस बार भी कैसे किसी अजीबोगरीब टेबल पे ही रखा होगा इन लोगों ने बटन को। एक बार वो बटन मिल जाए, ढूंढ ले हम लोग, बस उसको भाई कट कर देंगे उसके तार को, क्योंकि ऑब्वियसली उस बटन से कोई ना कोई तार कनेक्ट होगा, और मामला सॉल्व है। उनका प्लान फ्लॉप हो जाएगा और मैं इन्हीं के बॉम्ब्स ले जाके उन्हीं के ऊपर फोड़ के आ जाऊंगा। हाँ ये बढ़िया है। ढूंढो ढूंढो कहाँ है बटन, ये क्या है? अरे ये तो आग बुझाने वाले फायर हाइड्रेंट है। इधर भी नहीं है। चौप भाई मिला क्या? मैं कल हुआ नहीं मिला यार। अच्छा शिनचैन बिंजन से पूछियो। भाई शिनचैन बिंचन बटन मिला क्या? अरे नहीं यार मिली नहीं रहा। ढूंढते रहो मिल जाएगा मिल जाएगा। 12 बज चुके हैं गाइस, लगभग एक घंटा हो गया ये बटन ढूंढते ढूंढते, और अभी तक बटन का नामो निशान नहीं है भाई, लिटरली में नहीं मिला हमें कुछ भी। बट कोई बात नहीं, हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है, हम लोग ढूंढते रहेंगे। उन लॉस गैंग वालों का कोई भरोसा नहीं है, इधर भी छुपाया हो सकता है, इस रोड पे भी, इसलिए इस रोड पे भी नहीं छोड़ेंगे भाई हम लोग। ढूंढो 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 कहाँ छुपाया है लॉस गैंग वालों ने बटन। एक काम करो गाइस, तुम लोग फटाफट से जाकर यार इस वाली वीडियो को लाइक कर दो भाई, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। यस अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि जल्द से जल्द हमें वो बटन मिल जाए और लॉस गैंग वालों का प्लान फ्लॉप हो जाए हमारा घर ब्लास्ट करने का। नहीं भाई नहीं मिल रहा मुझे इधर। चौप भाई मिला क्या? बे यार कल भैया कुछ नहीं मिल रहा भाई, यार मुझे भी नहीं मिल रहा कुछ भी, पूरी सड़क मैंने छान मारी है कुछ भी नहीं मिला इधर। इधर पूरे तूने ढूंढ लिया? बा हर तरफ ढूंढ लिया यार कल भैया। पिंचन भाई तुझे कुछ मिला? अरे कुछ नहीं मिला यार। शिनचैन से एक बार पूछ के आता हूँ, देख कर आते हैं गाइस उसके पास, क्या पता उसे कुछ मिल गया हो। और शिनचैन भाई कुछ मिला? अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था यार, पूरा इलाका ढूंढ लिया कुछ भी नहीं मिला। अबे कहाँ पर फिर बटन रख दिया है इन लॉस गैंग वालों ने? पता नहीं यार मिल ही नहीं रहा। आ जाओ भाई आ जाओ जरा वापस इधर इधर पहाड़ पे आ जाओ। कहाँ पर बटन होगा? सीरियसली मैं दिमाग खराब हो गया है भाई, मिला ही नहीं बटन। आओ 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 भाई फिर से सोचते हैं बाकी क्या करना है। तो क्या करना है आगे? अरे क्या करना है यार, हम लोग एक काम करते हैं, इन बॉम्ब्स को उठा उठा कर फेंक देते हैं। ओ ये ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पता चला बॉम्ब को उठाने गए, तार वार खिंच के कुछ ट्रिगर हो गया इधर उधर, वो अपने आप ही ब्लास्ट हो गया। गड़बड़ हो सकती है भाई,
मैं तो एक क्या काम करे भाई, पुलिस पुलिस में कॉल कर दे क्या? पुलिस वालों को बुलाएंगे तो भाई लॉस गैंग वाले भी तो सामने से कह देंगे कि इन्होंने भी हमारे बेस पर ब्लास्ट किया था। वही तो भाई, लफड़ा हो सकता है, हम लोग भी फंस सकते हैं। अरे तो करे क्या फिर? अरे क्या बटन दोबारा से ढूंढना शुरू करे क्या? क्योंकि इतनी देर से ढूंढ रहे हैं भाई, लिटरली में नहीं मिला बटन। अरे दोबारा से ढूंढना तो शुरू कर देंगे, लेकिन कहाँ? सब कुछ तो ढूंढ लिया। हाँ भाई पता है, हर तरफ ढूंढ लिया, लेकिन कोई ना कोई तो जगह होगी जो हमसे छूट रही है, जिसे हम लोग मिस कर रहे हैं। लेकिन वो कौन सी जगह होगी यार, जिसे लिटरली में हम लोग यार मिस कर रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, मैंने पैर कहाँ रखा हुआ है? अरे यार जरा पैर हटाना, तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है तुम्हारे पैर के नीचे। एक सेकंड वेट। ओ नहीं भाई, ओ तेरी गड़बड़ हो गई। अरे ये कैसे ब्लास्ट हो गया? अबे यार इसका मतलब वहाँ पर बटन था क्या? पता नहीं यार, मेरे पैर के नीचे कुछ तो पड़ा। ओ नहीं, ओ थोड़ा दूर हट जाओ बे, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो रहा है। ओ भाई साहब, इतना बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, ये अंधेरा से था गया कि नहीं इलाके में? तो पीछे हट जाओ बे, पीछे हट जाओ। अरे लेकिन ये हो क्या रहा है? क्या बॉम्ब ब्लास्ट हो गया? लेकिन कैसे यार? अब वो तो फिलहाल जब ये ब्लास्ट शांत होगा तभी पता चलेगा, लेकिन मेरे को इस चीज की टेंशन है भाई, इस बार हमारे घर को कितना डैमेज पहुंचेगा। पता नहीं यार क्या ही होगा। भाई साहब कितना बड़ा ब्लास्ट हो रहा है यार, लिटरली में आग ही आग है चारों तरफ। घर तो लगता है हमारे घर को डैमेज पहुंचेगा, ये साथ में पड़ोसी का भी घर जाएगा यार, क्योंकि पिछली बार से भी बड़ा ब्लास्ट है ये। भाई गया अपना घर गया। भाई मामला तो शांत हो गया, लेकिन डर लग रहा है यार आगे जाने में, क्या करूं भाई। अरे आगे तो जाना पड़ेगा यार, चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखने दो, यहाँ पर बटन था भाई जिससे बॉम्ब्स ब्लास्ट हो गए, क्या था यहाँ पर ऐसा? ओए वेट, यहाँ पर बटन है भाई, ये देखो ग्रीन कलर का, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तब तुम लोगों को पता चलेगा भाई। अरे ये कैसे हो सकता है भाई, उन लोगों ने इतना दिमाग लगाया और बटन यहाँ पर सीक्रेटली छुपाया। बे यार कलवार, तू बात करते करते आगे गया, तेरा पैर पड़ा इस बटन पे, और जैसे ही तू हटा ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गए सारे, और हमारे घर का क्या हाल हो गया है भाई। उधर पता नहीं कहाँ से ईंटें टूट टूट के बिखर गई हैं, उधर देखो, वहाँ देखो ईंटों का हाल। उधर तो लग रहा है पूरे घर में पीछे से गड्ढा हो गया है, और ये देखो भाई पूरे घर का मलबा कैसे पड़ा हुआ है। और एक सेकंड में कह नहीं रहा था भाई, आज का ब्लास्ट पिछले वाले ब्लास्ट से तगड़ा है, ये देखो हमारे पड़ोसी के भी घर को नुकसान पहुंचा है। ओ भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक ब्लास्ट था आज, लिटरली में हमारे पड़ोसी के भी घर को नुकसान पहुंचा है। खैर छोड़ो इसके घर के, छोड़ो, ये अपना रिपेयर करवाता रहेगा। मेरे घर का क्या हाल हो गया यार, अंदर बाहर से पाइप पिलर विलर सब टूट गए हैं, ये पता नहीं कहाँ से छत उखड़ के आ गई है, इधर टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ये देखो भाई कैसे सरिया निकला पड़ा है पूरे घर की छत से, ये देखो पता नहीं कहाँ की छत उड़ के गिर गई है, ईंटें देखो, ये जो चीजें है ना भाई, ये सब सिर्फ और सिर्फ ईंटों से बनी हुई थी, सारी ईंटें बाहर निकल के गिर गई है। इधर इधर तो मुझे लग रहा है पूरा एक छेद हो गया यार दीवार में ही, लगता है कोई बॉम्ब उड़ के और डायरेक्टली यहीं पर गिर के पूरा ब्लास्ट हो गया। भाई देख रहे हो ईंटें कैसे बाहर आ रही हैं, ब्रिक से रियल ईंटें हैं भाई, ये रियल ईंट। अंदर का हाल देख कर आते हैं, एक ये गाड़ी वाले लॉस सैंटोस के मान नहीं रहा, भाई दूसरे रास्ते से लेकर चले जाओ भाई, दिख नहीं रहा यहाँ पर घर उड़ गया, जबरदस्ती है कोई यहीं से लेकर जा रहा है अपनी गाड़ी को, मान ही नहीं रहे भाई नालायक। अरे यार अब क्या करना है आगे? सोचने दो, पहले तो देखने दो मेरे को डैमेज कहाँ कहाँ आया है यार, लास्ट टाइम ही तो पूरा रिपेयर करवाया था, इतना पैसा खर्च करके फिर जाएगा पैसा। अब ये देखो ईंट ही ईंट, ये भी कहीं से उखड़ के, और अब भाई यहाँ पर भी, अरे ये तो घर के अंदर से पूरा गद्दा वद्दा भी निकल गया लग रहा है। अरे वाह भाई वाह, पूरे घर का हाल बेहाल हो गया है, पता नहीं ये कहाँ की छत टूट के गिर गई है भाई, सीधे यहीं पर ईंटें पूरे घर पे, मलबा ही मलबा हर जगह, हालत खराब है भाई पूरे घर की। ईंटें देख रहे हो तुम लोग, इधर इधर से निकलने की ढंग की जगह भी नहीं है। अरे यार अब आगे क्या करना है हमें? आगे क्या करना है बताता हूँ, आगे क्या करना है भाई, इस लॉस गैंग ने दिमाग कितना लगाया, पिछली बार बटन लगाया था इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला एकदम, तो इन लोगों को शक हो गया था कि भाई इस बार मैं अपना दिमाग चलाऊंगा और बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, इन्होंने बटन ही छुपा दिया इधर, और गलती से हमारा पैर पड़ गया और गया पूरा घर। शिनचैन पिनचैन, अबे कहाँ गए तुम लोग? अरे यहीं पर है यार, बोलो क्या करना है आगे? हाँ यार कलुआ बता यार अब क्या करे, हमारा घर तो रोज रोज टूट रहा है। कुछ नहीं करना है, तुम लोग टेंशन मत लो,
मैं वर्कर्स वगैरह बुलवाता हूँ फिर से, वो लोग साफ सफाई करेंगे। हमें हिम्मत से काम लेना होगा भाई, वो लोग साफ सफाई करेंगे। अबे शिनचैन तू कहाँ है भाई? अरे आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ यार। तो वर्कर्स बुला रहा हूँ, वो लोग साफ सफाई करेंगे ये सब, जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है वो सब उनसे ठीक करवाओ। और मैं चला भाई लॉस गैंग का बेस उड़ाने के लिए। अरे वो बेस तो तुमने पिछली बार ही उड़ाया था। तुम लोगों को भी यही लगा कि मैं वो बेस उड़ाऊंगा? नहीं, मैं चला उनका दूसरा वाला बेस उड़ाने के लिए, जो वो मिलिट्री बेस के पास नहीं है उनका बेस। उनका काफी फेमस बेस है, सबसे ज्यादा अर्निंग वो लोग वहीं से करते हैं, क्योंकि वहां पर वो लोग कैफे भी चलाते हैं और सीक्रेटली उसको अपना एक इन लोगों ने बेस भी बना रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं जाके उस वाले बेस को पूरा चीथड़े उड़ा के आऊंगा, और इनके बॉम्ब से, लास्ट जो मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था उससे भी तगड़ा वाला बॉम्ब लेके जाऊंगा, और पूरा उनका कैफे प्लस सीक्रेट बेस सब उड़ा के आ जाऊंगा भाई। मैं छोड़ने नहीं वाला बिल्कुल भी उन लोगों को, उन नालायकों को। भाई सब बहुत ज्यादा गलत किया है इन लोगों ने। अबे जब कल भाई तुम लोगों ने मेरा घर ब्लास्ट किया, मैंने तुम लोगों का बेस ब्लास्ट किया, बात खत्म, मामला खत्म। लेकिन नहीं, उन बंदों ने दोबारा मेरे घर पे बॉम्ब लगा दिए। इसका बदला तो मैं बहुत बुरी तरीके से लेने वाला हूँ। खोलो भाई गेट, गाड़ी निकालने दो मुझे अपनी रेंज रोवर। अरे यार यहाँ से निकलेगी गाड़ी अपनी? अरे निकल जाएगी, रेंज रोवर तो ऐसे रास्तों के लिए ही बनी है। कम ऑन माई रेंज रोवर, यू कैन डेफिनेटली डू दिस। चल मेरी रेंज। अरे क्यों नहीं चल रही है ये? कहाँ अटक रही है सरिये में? ये फट्टा अड़ रहा है, फट्टा लकड़ी का। चलो चलो निकल गई। देखा भाई मेरी रेंज रोवर का कमाल, बहुत ही बढ़िया। अबे तुम लोग क्यों बैठ रहे हो भाई? अरे हमें भी अपने संग ले चलो यार। अबे तो ये घर को रिपेयर करवाने का काम कौन करेगा? एक काम करो, तुम तीनों मिलके यहाँ पर, मैं वो बुलवा दे रहा हूँ भाई वर्कर्स, और ये सब रिपेयर करवाओ, मैं जा रहा हूँ अकेले ही। आई होप तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? अरे ठीक है यार, वर्कर्स तो बुला दो। बुला देता हूँ मैं वर्कर्स। वर्कर्स थोड़ी देर में आ जाएंगे भाई, उन्होंने बोला आधे घंटे में वो आ रहे हैं। आते ही तुम लोग उनको काम पे लगा देना, सबसे पहले ये साफ सफाई करवाना, और बोलना जहाँ जहाँ डैमेज है वो रिपेयर कर दो, ठीक है? अरे ठीक है यार। और पेमेंट? पेमेंट अंदर पैसे रखे हुए होंगे, अगर वो बच गए होंगे तो दे देना, वरना आकर मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? अरे ठीक है यार, जाओ जाओ काम पे लग जाओ, और मैं भी चलता हूँ काम पे लगने के लिए। अरे छोड़ना मत इन लॉस गैंग वालों को। अबे तुम लोगों को लग रहा है छोड़ूंगा मैं उन्हें? अबे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इनकी इनकी तो पूरी गैंग खत्म करूंगा मैं किसी दिन भाई, एक बार मौका तो मिले। अभी तो फिलहाल इनका बेस खत्म करने के लिए चलते हैं। लास्ट जो मैंने बेस डिस्ट्रॉय किया था गाइस लास्ट टाइम, वो था इनका डायमंड कैसीनो वाला बेस, जो कि उतना उनके लिए कुछ खास नहीं है, वहां पर 8-10 बंदे रहते हैं मेनली। ओ भाई हिरन भाग गया, अगर नहीं भागता तो उसके ऊपर ही गाड़ी गिरती। खैर लास्ट टाइम हम लोगों ने उसका जो बेस डिस्ट्रॉय किया था उनके लिए उतना वो मतलब मेन नहीं था उनका बेस वो, लेकिन आज जो मैं उनका बेस डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ वो उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है गाइस। और देखना भाई जैसे वो बेस ब्लास्ट होगा बहुत बुरी तरीके से किलसने वाले हैं ये लोग। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, बॉम्ब्स का जुगाड़ करना होगा, और बॉम्ब के लिए मुझे जाना होगा, कहाँ जाना होगा, हाँ लेस्टर का वो बोट वाला दोस्त, जहाँ पर भाई वो एक बोट हाउस चलाता है, बोट ट्रेनिंग पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो। वहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे तो अपना मामला हो जाएगा, लास्ट टाइम मैं वहीं से बॉम्ब खरीद के लाया था। मैं इस बार बोलूंगा कि भाई मेरे को तो तगड़े वाले बॉम्ब दे, खतरनाक वाले बॉम्ब दे, और डेफिनेटली वो बहुत तगड़े वाले बॉम्ब देगा, जुगाड़ करेगा मेरे लिए, और मैं उन्हें बॉम्ब्स के यूज करके इसको ब्लास्ट करूंगा लॉस गैंग के दूसरे वाले बेस को। कहाँ पर था भाई उनका बेस? हाँ इसी वाले रोड पे तो था आगे जाके। अरे गाड़ी वाले हट जा भाई, एक तो ये लॉस सैंटोस के ड्राइवर जब मर्जी जिधर मर्जी उधर गाड़ी अचानक से ही मोड़ देते हैं। ओके ओके इसी वाले रास्ते पर आगे जाके बोट हाउस सीक्रेटली वो भाई वेपन्स बेचता है, साथ ही साथ बॉम्ब्स वगैरह भी बेचता है। लास्ट टाइम वहीं से जुगाड़ करके आया था मैं, इस बार उससे बोलूंगा सबसे हैवी जो बॉम्ब है वो दे भाई तू मेरे को सबसे हैवी वाला। वो रहा उसका बोट हाउस। एक सेकेंड, पुलिस की रेड हुई है क्या इसके बोट हाउस पे? लग तो रहा है भाई निकलने में ही भलाई है यहाँ से, या फिर पुलिस वाले बोट वोट लेने आए उससे। नहीं नहीं बोट लेने क्यों आएंगे भाई, पूरे लॉस सैंटोस में यही एक दुकान है, और वो भी चार चार गाड़ियों से। डेफिनेटली भाई पंगे हुए हैं यहाँ पर, जाके पूछू क्या पुलिस वालों से, इनको क्या पता कि मैं बॉम्ब्स खरीदने के लिए आया था, पूछते हैं जाके। हेलो सर क्या हुआ है यहाँ पर, पुलिस इतनी क्यों आई है? अरे यहाँ पर जो वो बोट एक सेकेंड, तुम्हें क्या मतलब? नहीं सर मैं बोट खरीदने के लिए आया था, यहाँ बोट बिकती है ना,
तुम्हें नहीं पता यहाँ पर बोट के साथ साथ बॉम्ब्स भी बिकते हैं, और जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को ये खबर लगी, हम लोग पूरा डिपार्टमेंट लेकर आ गए रेड के लिए। और अब जो मालिक था इस बोट हाउस का वो पड़ा है जेल में। अभी तहकीकात चालू है कि किस किसने बॉम्ब्स खरीदे हैं। अच्छा सर, मैं तो बोट खरीदने के लिए आया था नॉर्मली। अच्छा जाओ जाओ, बोट नहीं मिलेगी। ओके सर ओके, मैं कहीं और से बोट ले लूंगा। भाई साहब मेरा शक सही निकला, पुलिस वालों ने रेड किया और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। अबे यार एक यही तो सोर्स था बॉम्ब का, मैं कहाँ से खरीदूं बॉम्ब। अरे लॉस गैंग वालों से बदला लेना था भाई मुझे, मेरा घर तो उड़ा दिया, उनका बेस उड़ाने के लिए मुझे सामान ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से जुगाड़ करूँ। अब मैं लेस्टर से पूछूँ क्या, लेस्टर लगता है भाई दोबारा हेल्प करेगा, क्योंकि उसने अपने एक दोस्त के बारे में बताया, वो दोस्त तो गया जेल में, किसी और के बारे में बताएगा तो कहीं वो भी ना जेल में चला जाए। वैसे इसमें मेरी क्या गलती है भाई, वो जेल में गया तो कौन सा, मैंने पुलिस वालों को बताया था। क्या करूँ फिर मैं, ये जो वेपन स्टोर वाले हैं ज़रा इनसे पूछता हूँ, डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगा भाई, चल के पूछते हैं। यहीं पर एक वेपन स्टोर है ना भाई, हाँ मिलिट्री बेस के पास ही है एक वेपन स्टोर। रुको, यहीं पर पूछते हैं, आगे है वो वेपन स्टोर, ज़रा चलते हैं। ये देखो ये रहा गन्स एंड एमो, हाँ हाँ यही तो है, ये तो रहा एमिनेशन स्पोर्टिंग गुड्स, अच्छा वो तो स्पोर्टिंग गुड्स, हंटिंग गन्स, बहुत ही बढ़िया, चलते हैं। हेलो भाई, हेलो हेलो भाई साहब, जरा मेरे को एक चीज़ पता करनी थी, ये बॉम्ब्स बेचते हो क्या? बिल्कुल, ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड, स्टिकी बॉम्ब सब मिलते हैं हमारे यहाँ। नहीं नहीं, स्मोक ग्रेनेड ग्रेनेड या फिर ये स्टिकी बॉम्ब नहीं चाहिए मुझे, वो बड़ा वाला बॉम्ब चाहिए जिससे पूरा घर उड़ाया जा सके। ओ वो तो एक बोट हाउस वाला बंदा, पता है मुझे, लेकिन उसको पुलिस वालों ने अब अरेस्ट कर लिया है। ओ तो फिर तुम्हें तगड़े बॉम्ब चाहिए? बिल्कुल, उस बोट हाउस वाले से भी तगड़े बॉम्ब। क्या करने का इरादा है भाई? वो पंगे हैं मेरे, कुछ भी करूं भाई तू बताना। ठीक है, तुम नॉर्थ यंगटन जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। ओके, वहां पर जाकर यार किसी से भी कहना कि मैं मिलिट्री बेस वाले गन स्टोर का दोस्त हूँ। ओके, मिलिट्री बेस के पास वाले गन स्टोर वाले का दोस्त। बिल्कुल, ऐसा अगर बोलोगे तो वो बंदा सीधे तुम्हें मेरे दोस्त के पास छोड़ कर आएगा कोई भी। अच्छा, और मेरा दोस्त बेचता है बहुत ही खतरनाक वाले ब्लैक कलर के बॉम्ब्स। ओके, जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि किसी भी घर को एक ही बॉम्ब उड़ा सकता है। ओके गॉट इट, नॉर्थ यंगटन में? बिल्कुल, ठीक है चलते हैं गाइस नॉर्थ यंगटन, मेरे को बदला लेना है भाई, चाहे बॉम्ब लेने के लिए मुझे नॉर्थ यंगटन कैवो पैरी को या कहीं भी जाना पड़े, मैं जाऊँगा लेकर आऊँगा और लॉस गैंग वालों का वो बेस उड़ा कर ही रहूँगा। चलो भाई अपनी रेंज रोवर को फटाफट से भगाते हुए लेकर चलते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से उठाते हैं कोई प्लेन या तो कोई हेलीकॉप्टर और उसे लेकर निकलते हैं नॉर्थ यंगटन। नॉर्थ यंगटन पहुंच के जुगाड़ करेंगे भाई बॉम्ब्स का और लेकर आके फिर ब्लास्ट करेंगे। लेट्स डू दिस, तुम लोग जाओ गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आज तो ये लॉस गैंग वालों को कोई नहीं बचा सकता मुझसे, कोई भी नहीं। एयरपोर्ट, वेलकम टू द एयरपोर्ट, और मेरी गाड़ी ड्रिफ्ट करती हुई स्पोर्ट्स कार से ज़्यादा तो मेरी एसयूवी ड्रिफ्ट कर रही है। ओके आ चुके हम लोग, हेलीकॉप्टर या प्लेन कुछ भी मिले चलेगा। पैसेंजर प्लेन तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, हेलीकॉप्टर तो नहीं है यहाँ पर, आगे की तरफ शायद कोई प्राइवेट प्लेन वगैरह मिल जाए, स्टंट प्लेन मिल जाए चलेगा। प्राइवेट प्लेन है ऑब्वियसली, लेकिन यार प्राइवेट प्लेन में बहुत ज़्यादा झंझट है भाई, इसको पूरा लंबा चौड़ा रनवे चाहिए लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता, मेरे को स्टंट प्लेन ज़्यादा बेटर लगते हैं। क्योंकि नॉर्थ यंगटन में तुम लोगों को पता ही है भाई, यहाँ से तो रनवे टेक ऑफ बढ़िया तरीके से हो जाएगा, रनवे है यहाँ पर लंबा चौड़ा, लेकिन नॉर्थ यंगटन में है नहीं रनवे। लो भाई सामने है एक स्टंट प्लेन वाइट एंड ब्लैक कलर का, लेकर चलते हैं। ब्लैक नहीं एक्चुअली, में थोड़ा सा ब्लू है ये, चलो जो भी कलर हो मुझे क्या करना है। चलो बैठ लिए भाई, निकलते हैं गाइस नॉर्थ यंगटन, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से डायरेक्टली अब नॉर्थ यंगटन में। देखो कितना आराम से टेक ऑफ हो गया, और मिलिट्री बेस के पास वाले वेपन स्टोर वाले का दोस्त तूने, अरे भाई कितना लंबा चौड़ा बोलना पड़ेगा। वेलकम टू द नॉर्थ यंगटन, और कहाँ प्लेन को लैंड करूँ? अरे अरे रोड पे ही नहीं करना था भाई, साइड में लेकर चलते हैं इसे, यहाँ पर आई गेस, बढ़िया, यस डेफिनेटली। चलो भाई इधर ही छोड़ते हैं, और अभी एक गाड़ी रोकते हैं किसी की, सामने से आ रही है एक गाड़ी। बा रुक जाओ ए गाड़ी वाला, रुक जा लौंडे रुक जा। हेलो भाई साहब मैं ये, अरे यार ये तो पता नहीं सामान लेके जा रहा है, छोड़ो इसे। हेलो भाई साहब मेरे को जरा ये पता करना था कि ये नहीं पता नहीं करना था मैं एक्चुअली मैं मिलिट्री बेस के पास वाले वेपन स्टोर वाले का दोस्त हूँ, तो जरा आप मेरे को बताओगे कहाँ जाना चाहिए मुझे? आपको इस वाले रोड पर आगे चलते चले जाओ, और उधर की साइड एक गैलरी का स्टैचू आएगा।
ओके वहां पर एक बंदा मिलेगा, उससे जाकर यही चीज कहना। ओके ओके ठीक है, समझ गया। आंटी जी आप भी मेरे संग संग जाओगी? नहीं जाओगी ना, फटाफट से बाहर निकलो फिर यहाँ से। अरे ये तो बाहर ही नहीं निकल रही, छोड़ो मैं इसमें बैठ जाता हूँ। हेलो आंटी जी, आप उस गाड़ी में चली जाओ। चलो भाई, इसने क्या बोला, गिलहरी वाले स्टैचू के पास एक बंदा मिलेगा, आई गेस वही होगा उसका दोस्त। चलो वो इंतजाम कर देगा हमारे लिए बॉम्ब्स का। यार जल्दी हो गया सब कुछ। हाँ लेकिन एक रात तो बीती गई, ये नेक्स्ट डे चल रहा है भाई, अगले दिन की सुबह है ये। नॉर्थ एंगलन आने में बहुत टाइम लगता है। गिलहरी वाला स्टैचू चाहिए, गिलहरी वाला कहाँ भैया, गिलहरी वाला स्टैचू कहाँ है, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, कितना भटकना पड़ेगा गिलहरी वाले स्टैचू के लिए। और इधर है क्या, हाँ वो रहा आगे की तरफ, उसके पास एक बंदा मिलेगा। ओके ढूंढते हैं इसके पास एक बंदा। हो गिलहरी है क्या ये? हाँ गिलहरी है, चूहा जैसा लग रहा, खरगोश भी लग रहा है ये तो एक तरफ से। आ तो गया, कोई दिख नहीं रहा है गिलहरी के स्टैचू के पास। अरे नॉर्थ एंगलन में जिंदगी भर बर्फ ही पड़ती रहती है क्या भाई, बर्फ में पैर दब रहे हैं बताओ मेरे। ये देखो भाई लॉस सैंटोस में गर्मी लगे, नॉर्थ एंगलन उड़ के आ जाओ, हमेशा ही बर्फ रहती है। पीछे एक झोपड़ी सी है, उधर चलते हैं, शायद उधर हो सकता है कोई बंदा। ओके अरे कितना स्लो मैं बर्फ के अंदर, रोड पे चलो भाई, बर्फ के अंदर तो बहुत ज्यादा स्लो दौड़ रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ देखो मेरी स्पीड, और भाई बर्फ में जाते बिल्कुल ही स्लो। कोई है? ओ यस है तो सही। हेलो भाई, हेलो कौन हो तुम? मुझे भाई मिलिट्री बेस के पास वाला जो वेपन स्टोर नहीं है, उस वाले बंदे ने भेजा है। कस्टमर? बिल्कुल कस्टमर हूँ भाई मैं, मेरे को बहुत तगड़ा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला, बेहतरीन वाला पॉम्प चाहिए, मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल मिल जाएगा, कैसा चाहिए, कितना बड़ा ब्लास्ट करना है? भाई मुझे इतना बड़ा ब्लास्ट करना है कि पूरा एक बॉम्ब में भाई पूरा एक घर उड़ जाए। अरे वाह, मिल जाएगा? मिल जाएगा, दे दे भाई फटाफट। लेकिन बहुत तगड़े पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे भाई? 5 करोड़ एक बॉम्ब का? बिल्कुल, ये तो ज्यादा है, तगड़ा भी तो है। ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। पक्का? पक्का पक्का, ला तू भाई जुगाड़ कर, मैं तुझे पैसे देता हूँ अभी। चलो भाई गाड़ी को पीछे लेकर चलते हैं, वो बंदा बॉम्ब का इंतज़ार कर रहा है, मतलब इंतज़ार क्या, इंतज़ाम कर रहा है। ओके बॉम्ब गाड़ी के ऊपर रख दिया भाई, पेमेंट करके आता हूँ मैं फटाफट। चलो भाई, ओ तेरी, ओ भाई क्या है ये, कितना मोटा तगड़ा सा बॉम्ब लग रहा है ये। इस एक बॉम्ब की कीमत 5 करोड़ है, 5 करोड़ भाई, ये पक्का पक्का उड़ जाएगा उनका बेस तो, लॉस गैंग वालों का, और ऐसा उड़ेगा कि वो लोग कभी जिंदगी में दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे यार मेरे से पंगे लेने की। चलो इस बॉम्ब को लेकर चलते हैं अपने अपने प्लेन की तरफ, स्टंट प्लेन की तरफ। वैसे एक प्रॉब्लम है गाइस, इस बॉम्ब को भी मुझे फोन से ब्लास्ट करना होगा। वैसे प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में प्रॉफिट है मेरा भाई, क्योंकि उनके बॉम्ब जो है उसके लिए बटन चाहिए, लेकिन इसके लिए भाई बटन मेरे फोन के अंदर ही है, बस बटन प्रेस करो जब मर्जी तब ब्लास्ट हो जाएगा ये, बस संभाल के लेकर जाना पड़ेगा, पता चला रास्ते में ही फट गया। ओके ओके मेरा स्टंट प्लेन कहाँ रखा था? ओ नहीं नहीं संभाल के, ओ भाई अगर ये गाड़ी पलट जाती नॉर्थ यंगटन उड़ जाता बच गए। अब इसको प्लेन के अंदर शिफ्ट करते हैं संभाल के, और प्लेन उड़ाते हैं। तो मैंने उस बॉम्ब को गाइस प्लेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा संभाल के रख दिया है, तुम लोगों को नज़र फिलहाल नहीं आ रहा होगा। अभी बैठते हैं फटाफट प्लेन के अंदर, कम ऑन। चलो 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 आराम से बहुत ही बढ़िया टेक ऑफ, और घुमाते हैं इससे प्यार से, देख रहे हो कितनी आराम से घूम रहा है ये स्टंट प्लेन। यहीं अगर प्राइवेट प्लेन पैसेंजर प्लेन हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। निकलते हैं लॉस सैंटोस। कितना टाइम लगता है भाई नॉर्थ यंगटन से आने जाने में, रात हो गई फिर से। ओके कोई बात नहीं, आ तो गए फाइनली। मेरी गाड़ी कहाँ है? वहाँ पर, अभी जाकर लगा के आ जाते हैं उस बॉम्ब को। वो रही गाड़ी, प्यारी सी लैंडिंग। चलो चलो चलो, ओके बहुत बढ़िया लैंडिंग। इधर इस साइड में स्टंट प्लेन रख देते हैं भाई, जिसका स्टंट प्लेन होगा उसे तो पता भी नहीं चलने वाला कि उसका प्लेन भाई नॉर्थ यंगटन का एक चक्कर काट के आ चुका है। चलो बॉम्ब को निकालते हैं, गाड़ी पे रखते हैं। चलो चलो अब इसको ले जाके लॉस सैंटोस का जो मिलिट्री बेस है उसके जो बगल वाला बेस है वहाँ रख के आ जाते हैं। फिर से ये गाड़ी पलटने वाली थी भाई, मैं तो सोच रहा हूँ पलट जाती तो क्या हो जाता हाजी यहीं पे। चलो लॉस सैंटोस का मिलिट्री बेस, उसके बगल वाला बेस लॉस गैंग का। रात के कितने बज रहे हैं भाई, कितना सुनसान इलाका है। ओए 1 बज रहे हैं रात के, तभी तो एक भी गाड़ी नहीं चल रही सड़क पे, और मैं कह रहा हूँ क्या हो गया भाई गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। पहुँचने वाले हैं, ये रहा मिलिट्री बेस,
मिलिट्री बेस के जस्ट थोड़ा सा आगे ही है वो। आ गए भाई आ गए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। एक सेकेंड कहाँ पर था भाई, ये रहा। जानते ही होगे यार, तुम लोगों को बताने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी मुझे। यही है गाइस बेस, बॉम्ब को रखते हैं इधर ही। चलो बल्कि एक्चुअली मैं इसके रेस्टोरेंट के अंदर रख देता हूँ। मैं बॉम्ब मैंने रख दिया, वो देखो सामने की तरफ दिख रहा है भाई वो। बस गाड़ी को स्मूथली पीछे लेकर चलते हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। जब सुबह ये लोग आएंगे तब ये लोग देखेंगे एक बहुत ही खतरनाक वाली तबाही जो कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी इन लोगों ने। सुबह हो चुकी है और सब लोग अपने काम धंधे पे निकल रहे हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है। लॉस गैंग वालों की एंट्री भी हो चुकी है सामने की तरफ। मोबाइल ओपन करते हैं, बटन ये रहा मोबाइल के अंदर। लेट्स प्रेस दिस, लेट्स गो। ओके ये हुई ना बात भाई, ओ तेरी, ओ पूरा लॉस सैंटोस कांप रहा है भाई। ब्लास्ट दे वो तुम लोग, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मलबा मिलने वाला है। हमारे घर में तो बस दो चार दीवारें, मतलब हमारे घर का भी काफी नुकसान हुआ था, बट फिर भी गाइस काफी ज्यादा तबाही मची थी ना भाई। इनका देखना पूरा का पूरा रेस्टोरेंट और बेस सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वो भी देखकर चलते हैं कैसे तबाही मचाई हमारे बॉम्ब ने। रिको भाई बस तुम लोग जाकर गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फॉलो करो। बस ये बॉम्ब ब्लास्ट अब शांत हो गया, फिर देखते हैं क्या तबाही मची है। ओके एक्सप्लोजन जो है वो थोड़ा थोड़ा शांत हो चुका है और पूरा ही शांत हो गया भाई। चलो वो तबाही देखकर आते हैं। एक बॉम्ब था सिर्फ वो। ओ तेरी भाई साहब, लॉस गैंग वाले आ रखे हैं भाई, वो लोग देख रहे हैं ये सब क्या हो गया भाई, क्या क्या चीथड़े फ्लोर वगैरह के उड़ गए हैं भाई, फ्लोर तक उखड़ के आ गया ये बाहर की तरफ। वो देखो लॉस गैंग वाला फोन लगा रहा है सामने। तेरी ऐसी की तैसी फोन लगाएगा बे तू, है फोन लगाएगा, लगा बे, लगा किसको लगाएगा तू फोन, लगा लगा तेरी ऐसी की तैसी, आ बे चक्कू लेके आएगा, आ तेरी बजाऊ मैं, है बे कल जब मामला शांत हो गया था, गन गन निकाल रहा है, गन निकाल रहा है तू, ला बे तेरी गन तेरे में बजाऊ। मेरी गन कहाँ है, गाड़ी के अंदर है, रुको बेटा दो मिनट के लिए गन लेने के आ गया है, कमजोर समझ लिया तुम लोगों ने मुझे। बोलो बोलो कहाँ कहाँ अटक गया, वो तो फ्लोर के अंदर ही अटक गया भाई। कितना बुरा हाल क्या है मेरे एक बॉम्ब ने, ये देखो पूरा इनका बेस तहस नहस, ये देखो अंदर का क्या ही बुरा हाल हो गया। मजा आ गया भाई, भले ही बॉम्ब महंगा था लेकिन फुल एकदम पैसा वसूल था। लॉस गैंग वाले पता नहीं अंदर तो कितने दब गए और ये लोग परेशान हो रहे थे बाहर। तबाही देखो, ये फ्लोर उखड़ के आ गया है भाई, ये छत है, फ्लोर है, ये जो चीज है ये वुडन फ्लोरिंग छत वगैरह पता नहीं क्या क्या है, सब उड़ा दिया। फिलहाल गाइस तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा क्यों, हमारे लॉस गेम वाले से पंगे हुए, तो जाकर देख लेना, इस वाले चैनल पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।